जिन जवानों की वजह से आज देश की जनता अपने आप में सुरक्षित है और समय पे जवानों ने आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बलि दे करके इस राष्ट्र धर्म की सेवा करने का काम किया है। उन शहीदों की वीरांगनाओं को जो सरकारों ने, राज्य सरकार ने जो वादा किया था कि हम अमुक अमुक पैकेज आपको देंगे, अमुक अमुक सुविधाएं आपको देंगे, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन वीरांगनाओं की सुविधा देना तो दूर रहा, उन वीरांगनाओं के साथ में पिछले 15-20 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है इस राजस्थान सरकार के माध्यम से वो किसी से छानी नहीं है, आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है। बंधो, जिस प्रदेश में वीरांगनाओं का सम्मान नहीं हो, जिस प्रदेश में शहीदों का सम्मान नहीं हो, उस जनता का इस प्रदेश में राज करना अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सरकार पहले ही विधायकों में अपने बहुमत में हो, लेकिन इस सरकार ने महिलाओं में, पुरुषों में, व्यापारियों में, वीरांगनाओं में और तो और पढ़ने वाले बच्चों में चारों तरफ से अपना मत खो दिया है। ये जनता में मत में आ चुकी है, मात्र अपना समय पास करने के लिए ये पुलिस की नीति पे दमन चक्र अपना करके और आंदोलनकारियों के साथ में इस तरह का कुकृत्य करते जा रही है। बंधो, अगर राजस्थान सरकार का मुखिया समझदार होता तो कम से कम उसको भगवान इतनी सद्बुद्धि देते कि वीरांगनाओं का नाम आते ही वो अपनी कुर्सी से उठ करके और 50 कदम पैदल चल करके उन वीरांगनाओं के सामने आता, उन बहनों से मिलता और बहनों से बात करता कि कहो बहनों, क्या परेशानी है, क्यों आज यहां तक आने का कष्ट आपने उठाया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकता था तो कम से कम जब वीरांगनाओं ने इनसे मिलने का समय मांगा तो उस समय में तनिक देर नहीं लगानी चाहिए थी और उन महिलाओं की, इन वीरांगनाओं की समस्या और पीड़ा को सुनकर के तत्काल समाधान करने का काम इसे करना चाहिए था। लेकिन वो कब करता, जब उसके पास राजधर्म होता, वो समझदार सरकार का मुखिया होता।